हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज भी एक मोटर वाइंडिंग करने जा रहे हैं। बुरुना कंपनी का मोटर है इसमें दोस्तों। हाफ एचपी बोल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों इसका बाइंडिंग करेंगे हम इसमें 25 नंबर 27 नंबर कॉपर वायर के साथ हम बाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसमें रनिंग कॉइल हम पहले डालेंगे। एक से 100 में कॉइल डालना है पहले कॉइल। बीच में दोस्तों 4 स्लॉट खाली छोड़ना है। एक से 100 में कॉइल डालना है। 1 2 3 4 5 6 बीच में 4 स्लॉट खाली रहेगा। दोस्तों हमारा इनर वायर जो निकला है इस तरफ मोटर घुमाएंगे तो राइट हैंड की तरफ, और आउटर निकला है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ। तो हम कॉइल को थोड़ा सा अपनी दो उंगलियों की मदद से इसी तरह हम दबाकर सेट कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कॉइल डाल देता है। और दोस्तों पेपर भी आराम से डलता है। तो इसी तरह हम कॉइल डालते चलेंगे।
दोस्तों इसमें थोड़ा सा सिरा छोटा था, जो कॉइल का जो लीड बाहर निकल के आया है थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो इसीलिए हम इस तरफ बाहर निकल कर दे दिया है। इस तरफ से घूमे के इस तरफ आने के लिए शॉर्ट हो गया है हमारा, तो इस तरफ भी हमने बाहर निकाला है। अभी दूसरा कॉइल डालना का स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, चार कॉइल का एक सेट डालकर कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा सेट डालने वाले हैं। तो ही एक से सॉइल पे कॉइल डालना है, यानी बीच में 416 खाली छोड़ के डालते जाना है। तो वही प्रोसेस अपनाना है, क्योंकि ये जो इनर सिरा हमारा राइट हैंड की तरफ ही रहेगा, इस तरफ होल दिया हुआ है और आउटर हमारा निकलेगा राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इसी तरह सारे कॉइल डालते चलना है। और फिर से जो हमारा जो दूसरे कॉइल के साथ जो अटैच हो गया है इनर, फिर हमारा जाएगा राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा और फिर से हमारा आउटर बन जाएगा। ये दोस्तों आज दिन भर मटर का काम ही चल रहा है, क्योंकि वीडियो तो इतना छोटा मटर का वीडियो हम डालना नहीं चाहते, तो क्यों ना सोच रहे कि ना एक तो डाला है तो कई सारे डाल देते हैं, इसीलिए एक मटर बना रहा हूँ। तो ये अलग कंपनी का है इसीलिए बना रहा हूँ। तो हमारा पास और भी मोटर एक तो बाइंडिंग करके रखा है हमने, जो आज सिर्फ मोटर का काम ही चल रहा है। ये जो हमारा बाइंडिंग हो गया है, बानिश डाला है अभी दोस्तों, एक बंद रहा है तो और भी एक बाहर काटना है, बड़ा वाला मोटर जो दिखाई दे रहा है आपको वो भी काटना है। आज सिर्फ मोटर का काम ही चल रहा है। हम अगर वीडियो डाल सकते तो सारे के सारे मोटर का वीडियो हम बना कर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों खास नहीं है छोटा मोटर का काम। अगर आसानी से छोटा मोटर कोई भी मिस्त्री भाई लोग बना लेता है, तो हमने सोच रहा क्यों ना ये भी हम बनाकर ही दे दें। तीन ठो मोटर सिर्फ बेंडिंग हो ही गया, अभी लगभग
बारह बज गया है। सुबह से लगा हुआ तीन टे मोटर बेंडिंग, इसको देखे तीन टे मोटर कंप्लीट हो ही जाएगा। सिर्फ एक आदमी पेपर डलता है, कॉइल बनाता है और बनने का काम, पेपर डालने का काम उस तो अलग आदमी है हमारा पास मोटर का, और कॉइल बनाने का काम, ढालने का काम हमारा, मोटर बांधने का काम अलग आदमी करता है। तो इसीलिए हम सोच रहे क्यों ना जितने भी मोटर आए तो मोटर का वीडियो हम डाल ही ले देंगे। अभी हमारे पास बचा हुआ है एक, देखिए ये तो वायर इसी तरह ही निकलेगा और वो वायर छोटा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करके इसको बनाएंगे। तो हमारे लगभग इस सिरा को हम उस तरह भी बाहर निकल के रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कोई बात नहीं काट देंगे हम सोल्डरिंग करके स्लिप पाइप डाल के। तो इसी तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है दो पार्ट। ये दोस्तों 2800 RPM पे घूमता है ये मोटर टुल्लू पंप। तो ये हो गया हमारा, अब इसमें बैठेगा स्टार्टिंग का कॉइल, हम थोड़ा सा सेट करके इसको थोड़ा सा सेट करके हम इसमें कॉटन टेप हम मार देंगे। दोस्तों हमने तो कॉइल बिठा दिया है रनिंग का, अभी दोस्तों इसमें बिठाएंगे हम ये जो कॉटन टेप, हम इसमें मार देंगे क्योंकि कॉटन टेप से बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग और रनिंग की जो कॉइल की जो बीच में जो दूरी अच्छी तरह से हो जाता है, और एक दो सिरा रनिंग के और बीच में घुसने की कोई चांस ही नहीं है। अगर देखिए इसे कम अलग पर है तो दोस्तों इसमें अगर देखिए कंपनी का जो मोटर आता है, कभी कभार जो पेपर डाल लेता है कॉइल बनाकर, किसी किसी मोटर में दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में दोस्तों एक दो सिरा इधर उधर हो जाता है। अगर पहले से अपने स्टार्टिंग रनिंग के बीच में जो पेपर डल रखा है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक दो सिरा कोई चांस ही नहीं है शॉर्ट होने का या मिल जाने का। आज जो इसी तरह हमने जो स्टार्टिंग कॉइल बिठाया है, सॉरी रनिंग का कॉइल बिठाया है, उसी प्रकार हमने स्टार्टिंग कॉइल भी बिठाएंगे।
तो दोस्तों हमारा बचा हुआ है हाथ में एक कॉइल, स्टडिंग का एक ही कॉइल बचा हुआ है। तो हमारा तो कंप्लीट हो ही गया। इसी तरह सेट करके तो दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन ये तो बड़े वाले कॉइल की सिरा हम इस तरह भी रखा है, तो ये हम इसमें आपस में जॉइन करके हम स्लिप पाइप चढ़ाएंगे। और दोस्तों इसमें जो बड़े छोटे वाले कॉइल की जो सिरा है 25 नंबर गैस की जो वायर, इसको हम लीड की थ्रू हम बाहर निकालेंगे इनर वायर। और ये जो बड़े वाले कॉइल की सिरा है, अब इस बड़े वाले कॉइल की सिरा के साथ अटैच होगा, या छोटे वाले कॉइल के साथ आप अटैच कर सकते हो। अब बड़े वाले कॉइल को लीड के थ्रू बाहर निकाल सकते हो। तो यही है कनेक्शन, यही है इसका फंडा। तो दोस्तों समझ में तो आ ही गया, तो हमारी समझ में तो बहुत आ गया। आपकी समझ में आया है या नहीं आया कमेंट पे ज़रूर बता देना। और तो दोस्तों इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, और लाइक से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, और कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा ये मॉडल का बाइंडिंग आपको कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और कोशिश करेंगे इसका जो फिटिंग का वीडियो, अगली वीडियो वो भी हम डालने की कोशिश करेंगे पार्ट टू में। तो देखिए, देखते हैं, कोशिश करेंगे डालने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों।